अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोगों का आज का दिन अच्छा होगा। आज के वीडियो में होम डेकोर आइडियाज़ में आप लोग फ्लावर अरेंजमेंट्स देख सकेंगे, और ये बहुत दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग कलेक्शन है जिसमें आपको फ्लावर अरेंजमेंट्स कुछ ऐसी चीज़ों में दिखाई दे रही है जो कि कुछ नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ें होती हैं, उनको रीयूज़ किया जाता है। जैसे कि पुरानी कैटल्स हो सकती हैं, कोई कप और सासर जो बच जाते हैं, कोई ग्लास, कोई जार, कोई बकेट, और या फिर कोई बास्केट वगैरह, इस तरह की चीज़ें रीयूज़ करके यहाँ पर आप लोगों को फ्लावर अरेंजमेंट में दिखाई गई हैं कि फ्लावर अरेंजमेंट आप किस किस तरह से कि मुख्तलिफ चीज़ों में कर सकते हैं। और इसमें यूनिक आइडियाज़ हैं और काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें आप देख रहे हैं, यानी पुराने जो मटेरियल है, जैसे कोई कैटल है या फिर कोई कप है, उसको रीयूज़ कैसे करना है, उसको आप पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। और इसमें कुछ मज़ीद क्रिएटिव आइडियाज़ इस्तेमाल करते हुए फ्लावर अरेंजमेंट की जा सकती है, और ऐसी अरेंजमेंट्स को आप अपने घर में किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। किचन में आप रख सकते हैं, आप अपने साइड टेबल पर रख सकते हैं, या फिर टेबल अरेंजमेंट के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज के ये क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप भी अपने घरों में कुछ ऐसी बच जाने वाली चीज़ें जो कि अच्छी हालत में हो, उनको रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई टी सेट हो या वाटर सेट हो, उनमें कोई कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, कुछ चीज़ें बच जाती हैं और वो अच्छी हालत में होती हैं, और आप उनको फेंकना ना चाहें तो आप उनको फ्लावर अरेंजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इनको किसी भी जगह पर रख सकते हैं। और फ्लावर अरेंजमेंट्स के लिए कोई से भी फ्लावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो रिबन फ्लावर्स ही क्यों ना हो, या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, और अगर सीज़न है तो आप सीजनल फ्लावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।